पहले चलते हैं यतीन के पास, क्योंकि बाजार की नजर आज मार्च ऑटो बिक्री आंकड़ों पर है। कैसे हैं अब तक के जो आंकड़े हैं, जो हमने हेडलाइंस में एक दो का जिक्र किया, और बाकी सब क्या डिटेल्स है ये बताने के लिए यतीन हमारे साथ है। यतीन जी, दो नंबर तो मैंने हेडलाइन में पढ़े, वो तो अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है एक्चुअली। मैं नीरज जी, क्या होता है ना, हमने जब ऑटो सेल्स प्रीव्यू किया था तभी भी ये बात बताई थी कि जो ट्रैक्टर की बिक्री है और जो कमर्शियल व्हीकल की बिक्री है, चुनाव जब अनाउंस हो जाता है उसके बाद थोड़ा धीमापन आपको देखने को मिलता है, तो शायद वो फिनोमिनन प्ले आउट हो रहा है। एस्कॉर्ट्स की बात करें या महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो दोनों के ही बिक्री आंकड़ों में आपने गिरावट देखी है, और अनुमान के हिसाब से ही है, कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा की सबसे पहले बात करते हैं, जहां ट्रैक्टर बिक्री लगभग 17% घटी है और आई है लगभग 8,588 यूनिट के आसपास। और M&M की बात करें तो इनके भी ट्रैक्टर बिक्री लगभग इतनी ही दरों से लगभग 26% घट के आती हुई नजर पड़ी है, 26,000 यूनिट्स के आसपास बिक्री का आंकड़ा आया है। ऑब्वियसली अनुमान था कि कहीं ना कहीं 29,000 यूनिट्स के आसपास वो बिक्री का आंकड़ा है, तो ये कमज़ोर आंकड़ा था। और उससे भी कमज़ोर आंकड़ा था ऑटोमोटिव सेल्स का, जहां एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम यहाँ मिले नई लॉन्चेस का, लेकिन वो भी मोमेंटम नहीं दिखा है। और कुल बिक्री M&M के लिए केवल 4% बढ़ी है साल दर साल बेसिस पे, और शायद इसीलिए ये हरे में था M&M जब नंबर्स रिपोर्ट हुए, और तुरंत नंबर्स रिपोर्ट होने के बाद शेयर में 1% का डिप आपने देखा, तो मार्केट थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड रहा है। लेकिन टू व्हीलर प्लेयर्स की बात करें तो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स के नंबर्स अच्छे आने के अनुमान है, लगभग 10-15% के आसपास की बिक्री बढ़ने का अनुमान है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। और मारुति का भी अगर आप देखें तो 12-13% का मॉडेस्ट ग्रोथ यहाँ भी होना चाहिए ऑटोमोटिव सेल्स में। तो आए नहीं आंकड़े, लेकिन हाँ डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है टू व्हीलर प्लेयर्स में और आपके पैसेंजर व्हीकल प्लेयर्स में। आप कह रहे इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा ठंडी है बिक्री अभी? बिल्कुल, ये कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के तो ठंडी रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप नीरज जी पिछले 2 महीने का डेटा भी देख ले टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के लिए, तो CV सेल्स खास करके जो बड़े ट्रक हैं इनकी बिक्री में गिरावट आई है, और इस महीने भी स्पेसिफिकली आपको दिखेगा कि कमर्शियल व्हीकल सेल्स थोड़े धीमे पड़ेंगे। तो ये महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो XUV ये सब तो बिकेंगी चुनाव के समय से? बहुत जरूर लगती है, बिकती है और बिक रही है नीरज जी। टाटा सफारी ये, हाँ ये जरूर बिकेंगी। और महिंद्रा की बात करें ना नीरज जी, तो इनकी XUV500 नई और स्कॉर्पियो N, इस दोनों मॉडल के बलबूते भी आपको ग्रोथ दिख रही है, दूसरे कहीं भी आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन ये दो मॉडल में जरूर आपको ग्रोथ दिखेगी डबल डिजिट की। ऑब्वियसली थैंक्स टू इलेक्शंस, थैंक्स टू ओवरऑल डिमांड फॉर SUVs के ये इतना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो मार्च में जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा बहुत कम सेल्स का फिगर आता हुआ नजर पड़ा है। ओके अरुण जी, बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है आपको ऑटो सेक्टर में? दो के तो नंबर्स आ चुके हैं, बाकी के इंतजार कर रहे हैं। टू व्हीलर और फोर व्हीलर किस पे फोकस करेंगे? नीरज जी, ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। एस्कॉर्ट्स मुझे लग रहा है एक अच्छे रिवर्सल के संकेत दे रहा है। नो डाउट स्टॉक पिछले 5-6 दिनों में गिरा नहीं है, पर एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट के संकेत स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो अगर फ्रेश बाई करना है तो एस्कॉर्ट्स में लेके चल सकते हैं। 2800 के नीचे स्टॉप से आप बाई करें, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 2880-2900 ये दो टारगेट्स आपको एस्कॉर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक अगेन ये भी सेम ट्रैक्टर स्पेस से रहेगा, M&M। M&M का स्ट्रक्चर भी मजबूत है, नो डाउट आज एक थोड़ा रिवर्सल आपको ऊपर के लेवल से देखने को मिला है, पर अगेन ये एक स्टॉक रहेगा जो बाय एंड डिप्स वाला कैंडिडेट है। इसको भी अगर आप 1900-1910 के आसपास मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। 1940-1960 मुझे लग रहा है 2-3 दिन में M&M में भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं।